जन के लिए और इस तंग समय में, जैसे महाशय जी सपन साहब बता रहे थे, इस प्रकार के आयोजन इस समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आयोजन इस प्रकार का हम गढ़ी गांव से दादा गुरु मूलचंद पंडित गणपत राम के उस गांव से आए हैं, बिजना धाम से हमारे मध्य है, सुहासरा से पूरी हमारी सरदारी यहाँ बैठी हुई है, पूरा कवि वृंद यहाँ बैठा हुआ है। हम सबकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जैसा इस लास्ट अंतिम प्रस्तुति में जो देखने को मिला, सरपंच साहब ने तोड़ कर दिया, समाज की जो विडंबनाएं हैं, जो विकृतियां फैल रही हैं, उनके प्रति हमारे उत्तरदायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसकी जिम्मेवारी लें और समाज को जागृत करें, एक जन जागरण अभियान के तौर पर इन कुरीतियों को, इन विसंगतियों को समाज से दूर करें और इस प्रस्तुति के लिए और इतना बढ़िया भव्य आयोजन करने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जाने के लिए हम इस अखाड़े की तरफ से, सब की तरफ से सरपंच साहब को, संतोष जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसा मासे जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप इस सफल आयोजन के लिए बधाई दें, और चूंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी, हमारा एक दायित्व बनता है कवि वृंद का कि हर रीते पात्र को हम भर देंगे, हर तम की मुंडेरों पे सुबह धर देंगे, तुम खोजा करो स्वर्ग गगन में जाकर, हम स्वर्ग इसी धरा को ला कर देंगे, हम स्वर्ग इसी धरा को ला कर देंगे। इस उद्देश्य के साथ हमें नई रचनाओं के साथ और समाज को एक नई दिशा देने का काम करना करेंगे तो समाज हमें स्वीकारेगा और ऐसे समय में भी हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि मेरे मन में भी कुछ वीणा के जो तार झंकृत हुए हैं ऐसी रचना को लेकर के, क्योंकि बेटी जब अपने घर में, अपने ससुराल में भी बेटे को नहलाती है तो वो कहती है खड़खड़ घोटर मामा मोटा, दूर बैठी बैठी भी इस तरह के संदेश देती है, तो उस बेटी के प्रति एक बड़ा ज्वलनशील प्रश्न पैदा किया है मासे जी ने, सरपंच साहब ने, उस पर कुछ पंक्तियां हैं, आप गौर फरमाइएगा कि बेटी आज केवल बोझ नहीं रही है, वो एक सशक्त रूप में, एक नारी सशक्तिकरण के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से आप सुनिएगा और फिर हम विराम देते हैं आज के इस आयोजन को। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, और बेटे हों उदंड भले, क्योंकि यहाँ तो सारे बेटे ही बैठे हैं, बराबर बेटे हों उदंड भले, आपका दुखाए मन कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, और बेटे हों उदंड। अंतिम प्रश्न जो संतोष कुमार महाशय जी ने उठाया है, वो प्रश्न आपकी बात मेरे तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बेटे हों उदंड भले, आपका दुखाए मन कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, और प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आज के सत्संग की बहुत बहुत जय हो।